वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और ये तारीख तो पाकिस्तानियों को भूल ही नहीं सकती। अभी कल की हम आपको जिक्र करें कि कल क्या है तो आप सब कहेंगे सरप्राइज डे। जी हाँ, ये मैं कहूँगा चाय डे। आपकी चाय कैसी है? और वही सरप्राइज जो पाक फजाइया के बहादुर शाहीनों ने अजली दुश्मन भारत को दिया था 27 फरवरी 2019 का दिन। पाक फजाइया और भारत की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में हमेशा एक दरख्शां बाप की मानद है। जब पाक फजाइया ने दिन की रोशनी में दुनिया दुश्मन पर कामयाब जवाबी हमला किया और इस हमले में पाक फजाई के शाहीनों ने दुश्मन के दो लड़ाका तैयारों को भी तबाह किया। बिल्कुल फरा, अगर हम दो साल पहले चले जाए ना, तो सुबह हुई और मैं बस ऑफिस के लिए निकल रहा था तो ट्वीट्स हम देखी, क्योंकि वो रात का ये मामला था और आज का ही दिन था कि जिसकी ट्वीट्स थी ना 26 फरवरी की, तो बड़ा एक टेंशन क्रिएट हो गई कि ये हुआ क्या, ये हुआ क्या ना, बड़े परेशान पूरा दिन हम करते रहे। 5 बजे के करीब जाके DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब जो उस वक्त के थे, उन्होंने आके एक प्रेस ब्रीफिंग दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि वी विल सरप्राइज यू और हमारे रिस्पांस का इंतजार करें और वक्त का तायुन अब हम करेंगे। यकीन करें, हौसले ऐसे जवान हो गए ना, वो 5 बजे जब वो आए और आके, गालिबन 5 ही बजे थे कि जब उन्होंने आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके बाद हमारे शाहीनों ने जब अगली सुबह हमें ये पता लगा कि जी के एक तैयारे जो हैं वो गिर रहे हैं और एक पायलट जो है जिनको चाय पाकिस्तान की बहुत पसंद आई थी बाद में, उनको भी पकड़ लिया गया, क्या बात थी, क्या फीलिंग थी इस, वो ही मैं कहता हूँ अनबयानेबल, क्योंकि ना अनबयानेबल। अच्छा, ये एक्साइटमेंट का हमारा लेवल बहुत, क्योंकि हम जब भी सुनते हैं ना कि दुश्मन को अददी बर्तरी हासिल है, उन्होंने राफेल मंगवा लिए हैं, तो हमें लगता है पता नहीं क्या है, लेकिन पता तब चलता है जब आप मैदान में उतरते हैं कि कौन किस में जिगर है, किस में हिम्मत है, किस में हौसला है। सो ये लेटेस्ट जो एक टेंशन एस्केलेट की थी, जो उन्हीं की वजह से की थी, जब उन्होंने पहले पाकिस्तान में दरअंदाजी की थी और जवाब जो है उसका पाकिस्तान की तरफ से बड़े मौसर अंदाज में किया गया था, मेग को मग में बदल दिया था चाय के, MiG-21 को। खैर, इस हवाले से बातचीत करेंगे स्क्वाडर मौजम सिप्तैन साहब हमारे साथ हैं, फाइटर कंट्रोलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुबारक हो आपको, पाक फजाइया को, हमारे शाहीनों को, सबको जिन्होंने के दुश्मन के दांत खट्टे किए। मैम बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। डेफिनेटली ये एक बहुत ही एक ऐसा मौका था कि जिसने पूरी नेशन का मोरल बहुत बूस्ट किया था। तो जो आप बात कर रहे थे कि एक कप चाय, वो डेफिनेटली बहुत सारी कप ऑफ चाय में कन्वर्ट हो सकती थी, बट हमने अपने जज्बे को कंट्रोल किया और उस वक़्त हमने अज़्म हिम्मत से काम लिया और हमने ये एक ऑपरेशन सर हुए हम इससे। बिल्कुल ठीक है जी, हम अपनी बात करते हैं, जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे, हम लोग थे कि पता नहीं क्या हो गया है, क्या हो जाएगा, हम जज्बाती भी बहुत ज़्यादा थे, हमें पता है हमारी फोर्सेज जज्बाती नहीं होती हैं, वो बहुत फैसला जो है सोच समझ के करती है। तो जब पूरी कौम जज्बाती थी, एक ट्रेंड चल रहा था कि जी क्या अब भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, हमारी फोर्सेस क्या सोच रही थी उस वक्त कि भाई जवाब हम देंगे, हौसला रखें, क्या था, जज्बाती थे या फिर बिल्कुल स्ट्रिक्ट टू द प्लान? डेफिनेटली मोरल ऑफ द नेशन वाज लो उस वक्त, तो सबके और उसमें हम लोग भी शामिल थे कि ये क्या हो गया और हमें जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करना है इसको। तो उसके ऊपर जो हमारी उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप और नेशनल लीडरशिप थी, उसने बहुत वाइज डिसीजन लिया कि हमने रात की तरीके की बजाय हमने दिन का इंतखाब किया कि हम दिन के रोशनी के अंदर, उजाले के अंदर हम ये एक ऑपरेशन करेंगे। और वो ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की काम मदद से, और एक हमने बड़ा अच्छा ऑपरेशन किया जो कि इस बात का सबूत है कि बेशक दुश्मन को आप पे अददी बर्तरी हासिल हो, आप दुश्मन को बेहतर तकनीकी सलाहियतों से और बेहतर अज़्म हिम्मत से उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब दे सकते जनाब, जज्बा ईमानी से, जज्बा ईमानी तो खर्च। अच्छा ये मुझे बताइएगा सर, वो जो आप लोगों का था, आपने टारगेट पे ले लिए थे तमाम लोग, जिस पे उनके चीफ साहब भी बैठे हुए थे एक जगह पे, एंड देन लॉक करने के बाद आप लोगों ने उसको जो है वो छोड़ा, इट वॉज अ क्लियर मैसेज कि आप इसे बढ़ाना चाहें तो जहाँ तक मर्जी बढ़ाते चले जाएँ। तो ये जो एक कंट्रोल है, रिस्ट्रेन है, ये भी तो बड़ी खूबसूरत बात है। डेफिनेटली मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम एस्केलेशन लेवल को, लेडर को बढ़ाना नहीं चाह रहे थे, हमारा पर्पस ये था कि हम उनको ये बता दें और ये बावर करा दें अगर हम अपने हमें चैलेंज किया तो ये हम जो टारगेट्स थे, एक्चुअल टारगेट्स, उनके ऊपर भी हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम उनको भी इंगेज कर सकते हैं। सो ये एक इंडिकेशन थी कि हमने एक्चुअल टारगेट्स को लॉक किया और हमने उनको फिर डेविएट करके एक ओपन एरिया के अंदर मिसाइल्स को हमने फेंका, और ये एक मैसेज देने के लिए कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा हमें चैलेंज दिया
तो उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। यही जवाब देंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद की कुछ सूरत हाल पे चलते हैं। फिर एक वीडियो सामने आती है, पीएफ बेस सरगोधा की थी गालिबन, जहां पर जो हमारे जवान थे, जो हमारे ऑफिसर्स थे, वो एक जो हमारा रिवायती अंदाज है, सम्मी मेरी वार पर जो है ना कुछ जश्न मना रहे थे, और फिर सब इतना रिलैक्स हो गए, उसको प्रेज किया जा रहा था। तो जब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, पाकिस्तान ने अभिनंदन को भी पकड़ लिया, आप लोग क्या फील कर रहे थे? वो हम फील नहीं कर सकते, आप अपनी फीलिंग्स बताएं। फीलिंग डेफिनेटली उस वक्त बहुत हाई थी और बहुत ही मोरल हाई था, और सबको यही लग रहा था कि वी हैव डन समथिंग, हमने कुछ अचीव कर लिया है। और उस वक्त क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वी आर ऑन हाई अलर्ट स्टेट, और हमने कहा कि अभी इन्होंने कुछ और करने की कोशिश की तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो मोरल डेफिनेटली उस वक्त बहुत हाई था, और हर बंदा उस जश्न को मना रहा था अपनी फैमिलीज के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, और अपनी अपनी बेसिस पे, अपनी अपनी जगहों पे। बिल्कुल सही। कुछ अभी अभी खुला है ना सारा मामला, जब उनका एक एंकर पकड़ा गया, उसकी चैट्स पकड़ी गई, वो तो तैयार थे कि जी हम तो ये सारा मामला जो है ये पाकिस्तान के ऊपर लगाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, चढ़ा बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे करेंगे हम, वही बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली उनकी पॉलिसी जो है वो सारी। सो एक साजिश को भी नाकाम बनाया गया यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। सो इन तमाम चीजों को लेकर आप लोग कैसा फील करते हैं जब ये सारा आपके सामने, तो और भी डिटेल्स और भी मामला होंगे। मैम अगर इस चीज को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए तो देखें, पूरा जो प्रोसेस था वो ही एक एलिगेशन का था, और एक उन्होंने जो सो कॉल्ड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, पुलवामा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद सब्सिक्वेंटली उन्होंने स्ट्राइक की, और उसके रिस्पांस में वी वर क्लियर कि हमें अगर उन्होंने हमें चैलेंज किया तो वी विल गिव देम बिफिटिंग रिस्पांस, और इसमें कोई किसी भी लेवल पे कोई एम्बिगुटी नहीं थी। एंड अल्लाह ताला की मदद से और बेहतर जज्बा ईमानी से हमने वो एक काम बड़े अहसन तरीके से सर अंजाम दिया, तो उस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो तैयारी थी हर लेवल के ऊपर, वो एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ थी कि जो बयान नहीं की जा सकती। हर बंदे के अंदर एक उस वक्त एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन थी कि हमें कुछ करना है, और अगर हमें कुछ भी चैलेंज किया गया तो हमें अपने अपने लेवल पे रहते हुए जो भी टास्क मिलेगा हमें उसको एक अच्छे तरीके से सरंजाम देना है। बिल्कुल। और उसके लिए डेफिनेटली सारे लोगों की एक भरपूर तैयारी थी, उसमें किसी को कोई उस वक्त तैयारी का कोई भी ये नहीं था कि हमें तैयार होना है अभी और जवाब देना है। अच्छा, अब हम कंपैरिजन करते हैं अपनी फोर्सेस का। हम देखते हैं कि भारत के अंदर मामला ये है कि उनकी जो माएँ हैं वो कहती हैं कि हमारे बच्चों को फौज में नहीं जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि खुदकुशियों के रेट बढ़ जाते हैं भारतीय फौज के अंदर, और यहाँ पर अफवाज पाकिस्तान है कि किस तरीके से एक माँ जिसका एक ही बेटा होता है और वो भी शहीद हो जाता है, वो कहती है मेरे 10 बेटे होते तो मैं इस वतन पे कुर्बान कर देती। फिर जिस तरीके से हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी उनको ओन कर रही होती है, घर में जाती है, घर में जाके एयर चीफ जो है वो राशिद मिन्हास साहब शहीद, निशान हैदर जो है उनके घर जाते हैं, तो कैसा फील होता है जब आपकी लीडरशिप आपको इतना ओन कर रही होती है? ये मेरे ख्याल से तो ये जो सब कुछ एक हाई मोटिवेशन लेवल है वो एक लीडरशिप का इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार है। और ओनरशिप जो है ये हमारी पूरी मिलिट्री के अंदर हर डोमेन में, आर्मी ले लें, एयरफोर्स ले लें, तो ओनरशिप किसी को ओनरशिप का कोई इशू ही नहीं है। तो वो ओनरशिप जो है वो डेफिनेटली एट ऑल लेवल इज़ अवेलेबल, और उसमें कोई किसी को आउट ऑफ डाउट भी नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शहीद का तो वो दर्जा है कि उस दर्जे की तो अल्लाह ने जो है वो तारीफ की है, तो ये दर्जा तो वो है जो कि हासिल करने की तड़प और लगन हम सबके दिलों में है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अददी बर्तरी की आपने बात की थी, राफेल उनके पास है, हमने भी जीएफ थंडर हमारा जो है वो भी माशाल्लाह से, और फिर अब हम उसको खुद मैन्युफैक्चर करने, खुद उसको असेंबल करने की, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से इतनी बड़ी ताकत और सलाहियत है जो पाकिस्तान के हिस्से में आई है। सो जब आप एज अ फाइटर, एज अ सोल्जर जब आप देखते हैं इन चीज़ों को, तो ये कितनी अहम होती हैं आपके लिए? डेफिनेटली मैम ये एक चीज़ अहम है, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि उनके पास, इंडिया के पास हमसे हमेशा ही अद्दी बढ़ती रही है, ये 1948 से ऑनवर्ड हमेशा वो रहे हैं, हमसे 10 गुना बड़ी उनकी फ़ौज है, हमसे 10 गुना बड़ी उनकी एयरफोर्स है। लेकिन राफेल की जो आप बात कर रही हैं, राफेल के आने से भी कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इंशाल्लाह जब मौका आएगा तो राफेल को भी देख लेंगे, राफेल को भी देख लेंगे, और एयरफोर्स इज फुली रेडी कि राफेल को किसी भी तरह से हम कॉन्टेक्ट करेंगे। अच्छा, आपको भी हंसी आई थी इस चीज़ पे कि हम लोग तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे ना, फिर जब ये सारा मामला हो गया, पाकिस्तान की फतह हो गई, हमारे सर जो है ऐसे और सीने चौड़े हो गए थे,
फिर भारत कह रहा था जी F-16 निकाल के ले आए थे ये बड़े लड़के बड़े लड़के तो ये वो वाला मामला आप लोग भी इंजॉय कर रहे थे कि अब आप क्या बहस कर रहे हैं। वही बात थी, वो उसके ऊपर भी कहा था कि थप्पड़ चाहे सीधे हाथ से पड़े चाहे उल्टे हाथ से पड़े थप्पड़ डेफिनेटली उनको पड़ा है। तो ये मैटर नहीं करता कि JF-17 थे या F-16 थे, वो एक एयरफोर्स का और पाकिस्तान का एक एसेट थे, उनको किसी भी तरह से एम्प्लॉय किया। अल्टीमेट टारगेट था कि हमने दो जहाज उनके गिरा दिए। और आप बौखलाहट का लेवल देखें कि हमने तो दो जहाज गिराए, उन्होंने एक अपने सैम से एक अपना हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया, फिर हमने उनको F-16 गिन के दिए कि भाई ये लो। इट वाज जस्ट द कि तैयारें या वो जो मैन ऑन मशीन कि वो जो हमारे फाइटर पायलट स्किल और उनका वो जो एक ट्रेनिंग या उनकी डिटरमिनेशन या फोकस या आप कह लें उनका जो तड़प एंड लगन या मोराल है उसका भी फर्क था। मैम डेफिनेटली फर्क था। ये एक अलोन फाइटर पायलट कुछ भी नहीं, एक टीम वर्क है पूरा। उसमें मेंटेनेंस स्टाफ है, उसमें उसके जो भी ऑपरेटर्स हैं, उसमें उसके जो कंट्रोलिंग वाले पार्ट्स हैं, तो ये कंप्लीट एक टीम वर्क है। अच्छा, आप जैसे पीछे बैठे होते हैं, आप जैसे फाइटर कंट्रोलर हैं, आप देख रहे होते हैं, सो वो जो जो फाइटर है वो तो फाइट कर रहा है, आप लोग क्या क्या उसमें फील कर रहे होते हैं? आप कह सकते हैं कि फाइटर कंट्रोलर आर द आईज ऑफ द पायलट इन द एयर। सो पायलट एक छोटे स्केल के ऊपर देख रहा होता है, जबकि जो कंट्रोलर है वो उसको पूरी ब्रॉडर पिक्चर जो कि इनसाइड दी एनिमी टेरिटरी वो उसको बड़े पर्सपेक्टिव में देख रहा होता है, उसको कंप्लीट पिक्चर अवेलेबल होती है। उसमें डिफरेंट ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स भी यूज़ होते हैं, डिफरेंट एयरबॉर्न सेंसर्स भी यूज़ होते हैं। तो जो कंट्रोलर है ये बेसिकली गाइड करता है पायलट को, और एक खास लेवल तक, जब फिर उस लेवल तक वो जहाज़ पहुँचता है और उसका अपना जो रडार है वो उसको देखने के काबिल होता है, तो फिर वो उसके बाद पायलट भी अपने एक्शन कर सकता है। तो जो फाइटर कंट्रोलर की बात करी है उसका मतलब यह है कि ही इज आईज फॉर द पायलट इन द एयर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया स्क्वाड्रन लीडर सैयद मुअज्जम सिप्तान साहब, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने, आप यहाँ पर आए और हमें आज भी फख्र है, और दो साल मुकम्मल हो रहे हैं कल सरप्राइज डे के, कल आप सब ने चाय पीनी है और लाजमी पीनी है, और वो फैंटेस्टिक चाय जो है वो हम सब कल सेलिब्रेट करेंगे। और सबसे अहम चीज़ ये है कि हम अपने तमाम शहदा जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हुए, पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करते हुए, फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत करते हुए जान गवा देते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये आप एक तस्वीर भी देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सो ये हमारे वो नौजवान हैं जिन पर हमें फ़ख्र है, इनके ख़ानदान पर, इनकी फैमिलीज पर हमें फ़ख्र है। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। एयर चीफ जिस तरह से गए हैं राशिद मिन्हास की फैमिली से मिलने के लिए, ये यकीनी तौर पर ये हम सब के अंदर मौजूद वो पैशन, वो जज्बा, वो कहे कि ये दर्जा इनके हिस्से में आया है, लेकिन हम रिस्पेक्ट करते हैं इस शख्स को जिसने कि अपनी ज़िंदगी जो है वो कुर्बान की इस वतन अजीज़ की हिफाजत के ऊपर, और उसको हाईएस्ट लेवल पे एक्नॉलेज किया जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम। मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं तो जज्बाती हो जाता हूँ जब ऐसा मामला होता है ना, सबूत देंगे वफा का यूँ इश्तबाह गलत, मिला के खाक में रख देंगे हर सिपाह गलत, बरब काबा हम आंखें निकाल छोड़ेंगे, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाह गलत। तो ये हमारा जज्बा है और ये जज्बा ऐसे ही रहेगा, और भारत को समझ लेना चाहिए। बिल्कुल सही, अब लड़ना है कि प्रोग्राम करना? नहीं नहीं, जब हम लड़ते नहीं, हम सिर्फ जवाब देते हैं। ओके बिल्कुल सही। सो जनाब, अब हम इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे, एंड लेट्स होप एंड विश कि जब भी ऐसा कोई दिन आए तो हम ऐसे ही सुरखरू हों, और अल्लाह ताला वतन अजीज़ की हिफाजत फरमाए, और हमारे इन जवानों की भी जो फिज़ा में बहरी फिजा सरहदों पर या ज़मीनी सरहदों पर मुल्क की दिफा के लिए खड़े हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी फरमाए। सो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक धचके की, हाँ, जो कि लगा है तहरीक इंसाफ के लिए जो है एक और धचका सामने आया है। आपके इल्म ही है कि मुस्लिम लीग नून का मुतालबा मान लिया गया है इलेक्शन कमीशन ने, डस्का के कौमी असम्बली के हल्के NA-75 के ज़िमनी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया, 18 मार्च को पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब कराने का हुक्म दिया। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि पोलिंग के दिन हल्के में खुशगवार माहौल नहीं था, फायरिंग के वाकयात हुए जिसमें कीमती जानों का भी ज़िया हुआ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इससे हल्के में खौफ व हरास भी फैलाया गया और नतायज जो हैं वो भी मशकूक रहे हैं। मुख्तसर फैसले में ये कहा गया कि ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन को साफ, शफाफ और आज़ादाना करार नहीं दिया जा सकता, इसलिए इसको कलअदम करार दिया गया है। अच्छा, ये तमाम मामलात जो है ना, ये बहुत सारे लोगों को सरप्राइज भी लगे, बहुत सारे लोगों के लिए इतना सरप्राइज नहीं भी है, इसलिए कि बिलावल भुट्टो भी ये कह चुके, यूसुफ रजा गिलानी भी ये कह चुके कि दारे न्यूट्रल हैं, लेकिन इस दर्जा न्यूट्रल होंगे इसका अंदाज़ा नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल ये कहती रही कि जो भी नतीजे, जो भी फैसला आएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसे कबूल किया जाएगा, उसे मनोअन
तस्लीम किया जाएगा, लेकिन अब आके उनकी तरफ से थोड़ी रिटेलिएशन, थोड़ी नहीं खासी रिटेलिएशन, सुप्रीम कोर्ट में जाने का इरादा है वो भी बताया जा रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है, चूंकि ये फैसला उनको सपोर्ट करता है शायद, इसलिए उन्होंने खुले दिल से इसका जो है वेलकम किया और इसको एक्सेप्ट किया। अगर ये फैसला उनके हक में ना होता तो हो सकता है कि ये मामला रिवर्स होता। सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि पंजाब में जितने भी सेनेट उम्मीदवार थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, आपको मुबारक हो। अब हमें ये बताइएगा, ये जो फैसला आ गया है सामने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन रह जाती है? देखिए जी, फैसला तो आ गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये अख्तियार होता है अपने कानून में कि वो या लिमिटेड री पोलिंग कराएं, यानी मखसूस स्टेशन के ऊपर, या पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में री पोलिंग कराएं। उन्होंने फैसला किया कंप्लीट के हर पूरी री पोलिंग पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी। ये फैसला इससे आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बहरहाल फैसला अभी फिलहाल है, तो उस लिहाज से तो पीटीआई के कैंडिडेट जो हैं वो पूरी तरह भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन जी, हमारी नजर में ये जो फैसला है ये इसमें गलतियां हैं, कानूनी गलतियां हैं, और हर पार्टी का, हर कैंडिडेट का हक है उस कानून के तहत कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कर ले अगर उसको ख्याल है कि जजमेंट है इलेक्शन कमीशन की उसमें खामियां हैं, और यकीनी तौर पे इस जजमेंट में खामियां हैं जिसको फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। कुछ की तरफ मैं आपका रेफरेंस दे देता हूँ। मसलन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एप्लीकेशन आई थी पीएमएलएन कैंडिडेट की, उन्होंने ये कहा था कि 23 पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ लेट रिजल्ट आया है, इनमें प्री पोलिंग क्लियर कराई जाए, बाकी हमें मंजूर है। जी। जो रिटर्निंग अफसर था उसने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यही कहा कि 23 नहीं 14 पोलिंग स्टेशन हैं जहां के रिजल्ट लेट आए हैं, तो इन 14 पोलिंग स्टेशन में प्री पोलिंग कराई जाए। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन थी उन्होंने अज खुद फैसला किया, यानी सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन में फैसला किया, जो इख्तियार है उनका, उन्होंने फैसला किया कि हमारे मुताबिक क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसलिए हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रीपोलिंग कराएंगे। तो ये जो फैसला है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लॉ एंड ऑर्डर था, उस चीज के उस फैसले को, उस फैसले तक पहुंचने के लिए जरूरी था इलेक्शन कमीशन को कि वो बाकायदा शहादतें लेते, उसका ट्रायल करते, एविडेंस लेते, और उसके बाद फैसला करते कि क्या ये लॉ एंड ऑर्डर ऐसा था प्रॉब्लम जो कि पीएमएलएन ने क्रिएट किया है या पीटीआई ने किया है, और क्या ये ऐसा था कि उसकी वजह से पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन है वो मुतासिर हो जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आपने देखा कि 2 दिन में फैसला कर दिया, बिल्कुल सही, उन्होंने वीडियोस पे कर दिया। तो अब ये कानूनी पहलू है जो कि जरूर सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला कर दे। एक तरफ तो इलेक्शन है, इलेक्शन तो बिल्कुल जरूर लड़ेगी पीटीआई के कैंडिडेट, और दूसरी तरफ उनका हक है अपील करने का, वो भी साथ साथ चलेगा। लेकिन बैरिस्टर अली जफर साहब, ये फरमाइएगा, फैसला इतना जो है वो सीधा नहीं है, मामलात जैसे ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आई, फैसला सामने आया कि जी कि हमने इतना रब्ता करने की कोशिश की, हम आईजी साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद को अनअवेलेबल कर लेते हैं, हम जो है चीफ सेक्रेटरी साहब को रब्ता करने की कोशिश करते हैं, वो अनअवेलेबल कर देते हैं। इस फैसले से ये तासुर दिया गया कि जो इंतजामिया है वो भरपूर मुलव्वस रही, तो आप इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये चार्जशीट नहीं देखते हैं मौजूदा हुकूमत के खिलाफ? बिल्कुल, मैं अभी इसको कानूनी तौर पे इस तरह देखता हूँ कि चार्जशीट होती है यानी कि इल्जाम जी, उसके बाद उसके ऊपर ट्रायल होना चाहिए और उसके उसके फैसला होना चाहिए एक आप कानून के मुताबिक। ये एक 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 स्टेटमेंट दे के, एक एलिगेशन लगा के, एक इल्जाम लगा के और फैसला करना, ये कानून में इजाजत नहीं है मेरी नजर में। ठीक है सर, लेकिन उन्होंने तो ये भी मुतालबा किया है कि इन तमाम लोगों को मुअत्तल किया जाए, आइंदा जो है इनको ना किसी भी कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाए,
और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ इसके वाले से वो भी किया जा रहा है ना कि इलेक्शन कमीशन शायद टिल्ट है उसका थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून की तरफ, बावजूद कुछ लिंक्स निकाले जा रहे हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो शायद दामाद हैं एक शख्सियत के जिनका ताल्लुक है नवाज शरीफ से, जबकि उनके बेटे जो हैं उसी शख्सियत के वो CDA में हैं और वो हुकूमत के मंजूर नज़र भी हैं। सो ये क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ डस्का नहीं नौशहरा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद की थी, वहाँ पर इलेक्शन के हवाले से भी बात की जाए, तो ये जो इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तहरीक इंसाफ की तरफ से और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से इशारे किए जा रहे हैं, आपका उस बारे में क्या ख्याल है कि कानूनी लिहाज से ये भी कोई पॉइंट होगा कि इस तरह से भी हो सकता है? नहीं, मैं तो बिल्कुल इस चीज़ में यकीन नहीं करता, ना मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट का ना ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आज़ाद इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी अदारा है जी। और पहली बार आपने देखा कि पहली हुकूमतें तो शायद दबाव में रखने की कोशिश करती थी कि अदारे आज़ाद ना हों, लेकिन हमने PTI की हुकूमत ने बिल्कुल छोड़ा हुआ है हर अदारे को कि अपना अपना काम करें, और बेशक उनकी जजमेंट के साथ उनके ऑर्डर के खिलाफ हो वो लीगल होना चाहिए, आपको खिलाफ कानूनी खिलाफ होना चाहिए। पर्सनैलिटी इंस्टीट्यूशन होती है, पर्सनैलिटीज आती जाती रहती है, बिल्कुल ठीक है, वो तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपके देखिए जरूर इंटरेस्टिंग पहलू है जो मैं आपको बताना चाहूंगा जी। वो इंटरेस्टिंग ये है कि कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानून के तहत जब भी इलेक्शन किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का लॉ एंड ऑर्डर, उसके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजाम, उसमें किसको लगाना है किसको हटाना है, वो सारा कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत चला जाता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर ये कहता है कि लोग जो थे लगे हुए वो दुरुस्त नहीं है, तो फिर ये एक तरह इलेक्शन कमीशन अपने ही सुपरविजन पे उंगली उठा रहा है कि मैंने सुपरवाइज नहीं किया इलेक्शन को दुरुस्त। बिल्कुल ठीक है। अली जफर साहब, हमें ये बताइएगा कि इन इंतखाबात ने एक और चीज़ को वाज़े कर दिया कि इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब सेनेटर मुंतखब होने के बाद आप क्या रिफॉर्म्स के लिए कोशिश करेंगे, आपको क्या लगता है कि अगले इलेक्शन से पहले ऐसी रिफॉर्म्स आ सकती हैं कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उस पर अग्री भी कर जाएं, इतना वक्त है हमारे पास? बिल्कुल है जी, इसमें कोई देर नहीं लगनी चाहिए ना लग सकती है। मेरी नजर में ये जो कानून बनाया था 2017 में उस पर बहुत काम हुआ था, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें की गई थी, इलेक्शन कमीशन को आजाद किया गया था और बहुत अच्छे अच्छे प्रोसीजर्स बनाए गए थे, लेकिन उसमें अब मजीद गुंजाइश है कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट करें, और जितना जितना आपको इश्यूज का पता चलता है, दुनिया में जो इश्यूज का पता चलता है, आप अमेरिकन इलेक्शन से लेके यूरोपियन इलेक्शन देख लें, एशिया में देख लें इलेक्शन, जहां जहां ये मसले होते हैं इलेक्शन के, वो चीजों को हमने कवर करना है, और ये इस्लाहात हो सकती हैं, बहुत आसानी से हो सकती हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। मारूफ खान बैरिस्टर अली जफर साहब जो कि गुफ्तगू कर रहे थे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिंध में ज़मीनी इंतखाब होते हैं तो वहाँ पर भी फायरिंग की जाती है, तहरीके मतलब हिजब इख्तलाफ के जो वहाँ पे सदर हैं या फिर अकायदे हिजब इख्तलाफ हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम आता है, वो गिरफ्तार होते हैं, डस्का में भी फायरिंग होती है। तो ये जो इलेक्शन है इसने ये साबित किया है कि अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, और एक सियासी हम आहंगी की जरूरत है वो भी बहुत ज्यादा लैक कर रही है, जिसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। ये फैसला तो है, बिल्कुल ठीक है फैसला, लेकिन इस फैसले को इस तनाजुर में भी देखना होगा कि अगर हम देहात में चले जाएं और उन इलेक्शंस को देखें तो मेरा ख्याल है कि उधर फायरिंग करना उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और लेकिन कानून के खिलाफ, लेकिन इससे पूरा इलेक्शन जो है वो मुतनाजा कर सकती है हारने वाली पार्टी। ये बहुत संजीदा मामला है, इस मामले को देखेंगे कि ये भी लोग कह रहे हैं वहाँ बरादरी सिस्टम सब कुछ ठीक होगा, लेकिन कानून कानून है। अगर शादियों में भी आप फायरिंग करें तो वो गलत है, अगर इलेक्शन पे जीतने पे फायरिंग करें वो भी गलत है, तो गलत गलत है। उसको उसको इंश्योर करना जो इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि ये गलत मामला और जो है वो ना हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। स्टे विद अस।